ये वाला ये नहीं, ये वो ऑनलाइन मंगाया था मैंने, 10 का था कि 11 का कि 12 का था। अच्छा 12 का था शायद। ये जो है हमारा माइक्रोवेव, ये है इसमें माइक्रोवेव है, ग्रिल है, कन्वेक्शन है। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले कभी भी एसेसरीज आप देख लीजिए, ये इसको टर्न टेबल रोलर कहते हैं, इसको ऐसे कट करेंगे, इसको टर्न टेबल प्लेट कहते हैं। ठीक है, कभी कोई लिक्विड वगैरह कुछ इसमें बॉयल कर रहे हैं या गर्म कर रहे हैं, कोई बॉयल होके गिर जाए तो ऐसे प्रॉपर जैसे मैंने निकाला ऐसे निकाल के एक सॉफ्ट कपड़े से साफ करके फिर एजिटेट लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसको इसमें ग्रिप है, ग्रिप लगा दिया, बैठ गए। ठीक है, उसके बाद ये है ये एसेसरीज, इसको लो रैक कहते हैं जो लो है, इसको हाई रैक जो हाई है जी। ओके, अच्छा इसको बाद में आप ये निकाल दीजिएगा, मैं बता देता हूँ, रहने दीजिए। ठीक है, आप अपने हिसाब से निकाल देना। अच्छा, इस ये जो मॉडल है आपका, इसमें माइक्रोवेव है, ग्रिल है, कन्वेक्शन है, तीनों चीजें जी। ठीक है, सबसे पहले आते हैं माइक्रोवेव, माइक्रोवेव पे आते हैं, थोड़ा सा बाउल में पानी लेंगे। अच्छा। पहले माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव में कोई चीज रीहीटिंग एंड कुकिंग करते हैं, वो माइक्रो का फीचर से जी, रीहीटिंग एंड कुकिंग। ठीक है, ऑन किया, सबसे पहले माइक्रोवेव पे आते हैं, माइक्रो प्रेस किया, टाइम दिया कितनी देर चलाना, 1 मिनट, देन स्टार्ट। ठीक है, माइक्रो टाइम स्टार्ट। इसमें जो यूटेंसिल यूज करेंगे सबसे अच्छा बोरोसिल होता है, बोरोसिल ला पाला बोन चाइना, चीनी मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के बर्तन, पॉलिथीन, दोने, पेपर, पत्ते, मेटल के पार्ट कतई नहीं रखेंगे। जो विदाउट सिल्वर कोटिंग या गोल्डन कोटेड, ठीक है, जैसे कप वगैरह रिफ्लेक्शन जिसमें ना, हाँ जिसमें रिफ्लेक्शन, ठीक है, मेटल वो एक मतलब स्पार्कल होता है। बह गया ये कि फट गया, वो बह गया होगा, ये मेरे रखने में गिर गया होगा, ये देखिए गर्म गर्म, ठीक है, जैसे ये गिर गया तो ऐसे कपड़े से, साफ कपड़े से ऐसे रख करके हम ऐसे पोंछ लेंगे। ठीक है, अगर नीचे गिर गया हो तो निकाल के इसे साफ कर लेंगे। अब इसको जैसे और लगाना है, ये लीकेज है शायद। हाँ वही मैं कह रही हूँ कि लग रहा है उसमें वो हो गया, इसमें कर लिया नहीं होगा। ये हो गया, ठीक, ये स्टार्ट। अच्छा, एक तरीका ये बताया, माइक्रो टाइम देन स्टार्ट, ठीक है। और दूसरा तरीका, जैसे कोई घर में खाना खा रहा है, टेबल पर बैठा हुआ है, दाल निकाला, सब्जी निकाला, एक बाउल में ऐसे रख दिया और फिर एक क्विक स्टार्ट है यहाँ से, एक बार प्रेस करेंगे 30 सेकंड, सेकंड टाइम 30 प्लस 30 मतलब सेकंड बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब ये रीहीट हो जाएगा, आप निकाल के सब कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसको देखने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप निकाल दे सकते हैं। हाँ, वो मैं बाद में निकाल दूंगा, निकाल देंगे अभी रहने दीजिए, मैं निकाल। ठीक है, इसमें बस मेटल के पार्ट कतई नहीं रखना, ये जरूर ध्यान देना, ये नहीं तो स्पार्क होगा। ठीक है, ठीक है, मिट्टी के भी इस्तेमाल कर सकते हो, चीनी मिट्टी ये हो गए, ये सब इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ। ये सब इस्तेमाल कर सकते हो, इस पर छोड़ कर। किसको छोड़ कर? हाँ, स्टील को ना, उसमें रिफ्लेक्शन। ठीक है, ठीक है। गरम है, ठीक। स्टीम सेकंड आते हैं ग्रिल पे। हाँ। ये भी आपका, इसमें भी ग्रिल है। हाँ। इसमें भी ग्रिल है जी। ग्रिल में क्या करते हैं, कोई भी जैसे मटेरियल, ब्रेड है, ब्रेड को टोस्ट बनाना है या ग्रिलिंग करते हैं, वही तो कहते हैं ग्रिल कर ले। हाँ, वही ग्रिल तो ठीक है, ग्रिल है, उसमें हाई रैक रखेंगे मैडम जी। सेम जी, हाई रैक रखा, हाई रैक रखने के बाद इसमें कोई प्लेट वगैरह पे रखेंगे, अगर उसके बोरोसिल वगैरह की हो या तो टेफ्लॉन वगैरह की हो, आप रख के ब्रेड रखेंगे या इसी के ऊपर रख देंगे। ठीक है, ग्रिल का बटन ये है, ग्रिल दबाया जी। और फिर वे सेम फीचर से ग्रिल टाइम देन स्टार्ट। अच्छा, ग्रिल के साथ भी टाइम, टाइम ग्रिल टाइम स्टार्ट कितनी देर में। ठीक है, ठीक है। इसमें जो है ग्रिल, आप किसी के लिए ग्रिल कहाँ यूज करेंगे, जैसे ब्रेड को टोस्ट बनाना है। हाँ, हाँ। ठीक है, उसके लिए हाई रैक रखेंगे जी। और ब्रेड जो है आप इस पे रखेंगे, ब्रेड की स्लाइस, या तो एक कई टेफ्लॉन वगैरह की प्लेटें होती है, एक्टिन वगैरह की, वो रख लेते हैं। उसमें हीट रिफ्लेक्ट नीचे नहीं होगी और उसी पे रहेगी तो जल्दी हो जाएगा, जो चीज 3 मिनट लगेगा 2 मिनट में हो, 4 मिनट लगेगा 3 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि हीट क्रॉस नहीं होगी। क्रॉस नहीं, ठीक है। तो यहाँ रखा, उसके ब्रेड रखा, ब्रेड रखने के बाद
हम इसको ग्रिल दबाया, हाँ। ग्रिल का बटन प्रेस किया और फिर टाइम दे दिया 5-4 मिनट जितना देना हो, देन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब जब हीट इसमें जब ब्रेड पे पड़ेगी, ठीक है, ब्रेड पे पड़ेगी तो ब्राउन हो जाएगा, ब्राउन होने फिर उसको पलटना पड़ेगा, ब्रेड को एक तरफ हो जाएगा दूसरे बैक साइड पे पलटना पड़ेगा, ओके, ठीक। ये देखिए जी रेड हो गया, अच्छा ये रेड लाइट थ्रो का, अच्छा वो जैसे ओके रेड लाइट थ्रो करने लगा, हो गया। अब इसको पलटना पड़ेगा, ओके, फिर पलटा फिर दूसरी साइड हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर वही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब फर्स्ट टाइम अगर हम कभी खोलना चाहे तो ऐसे भी खोल सकते हैं, तो पॉज हो जाएगा या तो स्टॉप करके भी खोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सेकंड टाइम स्टॉप दबाओगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तीसरी चीज मैम इसमें कन्वेक्शन है, ठीक है, जो बताया मैंने, हाँ। कन्वेक्शन का इसमें कभी भी हम कन्वेक्शन में क्या करते हैं, केक है, नान खटाई है, बिस्किट है, बेकरी वाला है, कुकी आइटम यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। उसमें केक में केक बनाने के लिए जैसे कहता है ना, केक बनाने के लिए सबसे पहले जैसे क्या प्री हीट करते हैं, प्री हीट जैसे केक बनाए 180 डिग्री पे प्री हीट करें, तो कभी भी हम कन्वेक्शन का बटन प्रेस करेंगे तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, ओके, उतना ही आएगा, ठीक है, 180 डिग्री आएगा। 180 डिग्री में आप जब आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हो, जरूरी है नान खटाई बनाना हो तो वो कहता है अगर 140 डिग्री इसमें जब भी प्रेस करोगे बाय डिफॉल्ट 180 डिग्री, 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अगर वो जैसे नान खटाई बनाने के लिए कहता है कि 140 पे, तो इसमें मोर एंड लेस का बटन है, लेस कर देते हैं 140 जी, और फिर देन स्टार्ट प्री हीट लिख गया, तो प्री हीट इसमें जब तक ये मैं जब तक 140 डिग्री नहीं आएगा तब तक ये चलता रहेगा, 140 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा तो यहाँ लिख के आ जाएगा, बीप देगा, बीप मतलब इंडिकेशन देगा, इंडिकेशन है कि हो गया है, अब इसमें रॉ मटेरियल आप रख दो, रख दो, ओके ओके, ठीक है, ये बराबर से एक मिनट भी है, 140 डिग्री आ गया, 140 डिग्री, अब इसमें ये रॉ मटेरियल बना के ऐसे रख देंगे, ठीक है, ठीक है। रखने के बाद रख दिया, इसके बाद वो कहेगा 30 मिनट की लगाना, 40 मिनट की लगाना, तो डायरेक्ट 30 के दबाने के लिए 10 को 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम देन स्टार्ट। अब ये केक 30 मिनट 140 डिग्री रहेगा, नान खटाई रहेगी, कुछ रहेगा, वो अपना आकार ले लेगा, हाँ हाँ हाँ, समझ गई मैं, ठीक है, ये हो गया। और ये गरम है भैया, ये से उसी से उठा लो, तो उसमें बुक में आपको देख के जानना होगा, बुक है क्या, हाँ ये रखी है, जैसे ये है, जैसे इसमें सपोज करें ये कोई रेसिपी ले लीजिए, जैसे आपको ये टी ड्राई डिलाइट, ठीक है, ये कोड है इसमें, हाँ, इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी होगा कहीं ना कहीं, ओ अच्छा, तो उसके कोड डालेंगे, हाँ इसमें है, इसमें देख के आप, जैसे ये है DD1 ये कोई कोड है चाय का, अब इसको स्टार्ट कर देंगे, अब इसमें देखिए इंडिकेशन दे रहा मोर एंड लेस कितना दम डालना है, वो एक है 5 मिनट 30 सेकंड लग गया, एक कप होगा, कुछ होगा, चाय मतलब चाय बनानी है या डेयरी, तो इसमें इसकी मेमोरी में वो फीड है, वो आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसकी जो सावधानियां हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है जी, कन्वेक्शन पे जी और ग्रिल पे, कन्वेक्शन पे और ग्रिल पे कोई प्लास्टिक यूटेंसिल कतई नहीं रखेंगे जी, ठीक है, वो बोन चाइना भी उस पे ना रखें जी। इसमें सबसे अच्छा बोरोसिल होता है या टिन का आइटम होता है, टिन मतलब टिन यूटेंसिल रख के या एल्युमिनियम का रख के वो रख सकते हैं ग्रिल और कन्वेक्शन में, हाँ, और माइक्रो में नहीं, माइक्रो में नहीं रखेंगे, हाँ, क्योंकि टिन तो वो केक बनाने के लिए हो गया, हाँ, ना, ठीक है, वो रख सकते हैं। और इसकी सफाई करने के लिए कभी जैसे क्या एक बाउल में पानी लेना बोरोसिल में, हाँ, ठीक है, उसमें 400-500 ml पानी लेना, हाँ, एक नींबू काट के उसी में निचोड़ देना है, अच्छा, ठीक है, अच्छा, नींबू भी चाहे तो आप डाल सकते हो उसमें, और डालने के बाद माइक्रो पे दबाएंगे, माइक्रो माइक्रो पे दबाने के बाद टाइम देंगे 10 मिनट तक, देन स्टार्ट कर देंगे, अच्छा, ठीक है, उसमें वो क्या बॉयल होता रहेगा, एक अंदर की कैविटी में स्वेटिंग आ जाएगी, मॉइस्चर आ जाएगा, उसको निकाल के आप एक सॉफ्ट कपड़े से क्लीन कर सकते हो बस, ठीक है। और इनमें कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें कस्टमर केयर का नंबर मैडम इधर दिए लिखा हुआ है 1800-1800-999 1800-315-9999 इस पे आप फोन कर दोगे, कहाँ लिखा है इसके पीछे, यहाँ पर ये तो दिखाई भी नहीं, ये देखिए, अच्छा अच्छा अच्छा।